टिकरी बॉर्डर दीयां तस्वीरां तुसीं एक वेले वेख रहे हो ते आर के फिलिंग स्टेशन दे उत्ते असीं खड़े होए आ। पेट्रोल पंप है जी इस वेले। दरअसल किसान अंदोलन दे विच भाईचारक साईं दीयां बहुत सारियां तस्वीरां सानूं वेखण नूं मिल रहियां ने ते इस पेट्रोल पंप तो भी उस तरीके की एक तस्वीर निकल के सामने आई है। दरअसल इस पेट्रोल पंप के मालक धर्मिंदर राठी जिथे मौजूद ने उन्होंने गलबात करते हैं। दरअसल उन्होंने अपना पूरा पेट्रोल पंप जोड़ा है इस अंदोलन के लिए जो भी किसी तरह की कोई मदद करना चाहता है या किसान भीर इतने अपने कोई ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करना चाहते हैं उन्होंने अपने पूरे पेट्रोल पंप के पूरी सेवावान इतने लोगों दिखाई हुई ने। तस्वीर बयान भी कर दें कि गिनती के किसान भरा भी इतने रुके हुए हैं तो किसी तरह की कोई मुश्किल उन्होंने पेश ना आए इसलिए राठी साहब ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। साढ़े मौजूद ने उन्होंने गलबात करते हैं। धर्मिंदर राठी जी सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है जस पंजाबी तो दसो किवें मन दे विच आया कि किसान इन्ने सरकार के खिलाफ वड्डी लड़ाई लड़न जा रहे हैं तो उन्होंने मदद करनी है तो तुसीं अपना पूरा पंप जिहड़ा उन्होंने पेश करना। देखिए सर, पंजाब हमारा बड़ा भाई तो हरियाणा उसका छोटा भाई, तो बड़े भाई जब छोटे भाई के घर में आते हैं तो छोटे भाई का क्या धर्म बनता है वही हमने निभाया। अब जब से यहाँ किसान आए हैं अब उनको क्या ज़रूरत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है नहाने की, लैट्रिन जाने की, उनके साथ घुल मिलने की, उनको अपनापन करने की, और सामान तो वो लेके आए। फिर भी हमने ये किया धीरे से कि भाई हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारी जो खाप हैं हरियाणा की, वो भी सामने आ गई भाई कि हमारा भाई है तो अब इनका राशन नहीं खर्च होने देंगे, हम सब सेवा करेंगे। अब वो भी लग रहे हैं, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, बिल्कुल शांति के साथ। ये हवन, आप इसको आंदोलन कहो, मैं हवन कहूँगा क्योंकि इसमें वाहेगुरु भी चाहता है, क्योंकि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ किसानों की कभी कोई सुनवाई हुई नहीं है, है ना। दसो कि पंजाब नाले हरियाणा लैके जो भी कोई गल आती है तो हरेक बार SYL का मुद्दा जोड़ा है, खास तौर पर जो सियासी लोग ने वह SYL का दोनों सूबे के लोगों के सुट देंगे ने। इतने आके तुम्हें लगता है कि वह मुद्दा जोड़ा सी सिफर हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं रही। नहीं नहीं, वो मुद्दा ना तो कभी हमने सोचा। अब हरियाणा में तो जमीन ही कितनी बची है, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी ये और पार्क बन गए, सेक्टर बन गए, और ये लोग सियासी लोग हैं ना जो वो करते थे। अरे हमें जब पानी चाहिएगा हम मांग लेंगे, हमारा बड़ा भाई है। और यहाँ आप देखोगे भी किसी भी ट्रॉली में किसी भी सरपंच से वो बोले हम खोल के दे देंगे। और अब तो बिल्कुल, अब तक तो हम भी डर रहे थे, अब तो आप रात को 12 बजे कहोगे हम 12 बजे पानी खोल देंगे। अच्छा, किसानों ने सरकार के नाल टक्कर ली है सीधी, तो अजे में किसानों के नाल खड़न लिए हिम्मत भी चाहिए होंगी है कि तुम सरकार ने मत्था लिया, तुहाडा एडा वड्डा पेट्रोल पंप है, किसी ने कुछ कोई दबाव पाने की कोशिश की हो कि तुम इस तरीके ना करो, उन्होंने नाल ना खड़ो। नहीं देखो, ये तो प्रशासन करता है, लेकिन हमने अपने इस पंप पर कोई ऐसा अनैतिक काम नहीं, सेवा तो कोई भी कर सकता है। अब ये तो ये बात होगी ना सर कि बिक्री वैसे भी नहीं हो रही, भाई जाम लगा पड़ा है तो क्यों ना हम अपने भाइयों की सेवा कर लें, कम से कम ये सेवा का फल तो हमें वापसी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। तो मन में सेवा के भाव होने चाहिए कि हमारा बड़ा भाई हमारे घर में आया है एक आंदोलन के जरिए, और हम भी किसान के बेटे हैं। चलो आज हम ये पंप कर रहे हैं या और कारोबार कर रहे हैं, पहले तो हम भी खेती करते थे इसी ज़मीन में। एक मैं छोटा सवाल और पूछना है, बाकी फिर मैं जो किसान मौजूद उन्होंने भी गल करूँगा। ये दसो कि जो शुरू होया अंदोलन उदो BJP के वड्डे वड्डे आगू जो सरकार के वड्डे वड्डे आगू से वो कह रहे थे कि विचोलिया का अंदोलन है, फिर थोड़ा टाइम निकलिया फिर वो कहने लगे भी ये खालिस्तानियों का अंदोलन है, फिर थोड़ा हुण टाइम निकलिया तो हुण माओवादियों नाल जुड़न लग गए, कदे नक्सलियों नाल जुड़न लग जाते हैं, उसके बारे तुम की कहोगे कि तुहाडा की तजर्बा रहा इन्हें दिनों तो तुम इतने रोक रोके हुए ने कि वो तुहाडे कोल रहे ने इतने आके किस तरह की कोई हुल्लड़बाजी तुम देखी हो जो इल्ज़ाम लगते हैं उन्होंने बारे की कहना चाहोगे सरकार। नहीं देखो सिंह साहब, बिल्कुल यहाँ कोई भी ऐसा नहीं, मैं कम से कम 400 ट्रोलियों में गया और BBC लंदन वाले भी यहाँ आए थे, वो पीछे से पूछते पूछते आए थे कि पंप वाला बाऊ कहाँ है। मैं बोला भाई क्या करेगा मेरा, मेरे को इधर देख पानी देखने दे, अब ये नहा लेंगे और कुछ के। बोले नहीं आप हमें बात बता दो, तो नाम तो हमने भी सुना था कि भाई ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। हमने कहा चलिए ट्रॉली में,
आप इनसे ये पूछिए कि कौन सी फसल किस टाइम होती है, वो मैं आपको टक टक जवाब देंगे। और आप समझ सकते हो कि जिस आदमी को ज्ञान है वही ना जवाब देगा। आतंकवादियों को थोड़ी पता है या खालिस्तानियों को थोड़ी पता है कि कब सरसों होती है, कब ज्वार होती है। और देखिए, मेरा तो यहाँ एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। हम 8-10 किलोमीटर का एरिया संभालते हैं इनका, टीकरी बॉर्डर से लेकर पीछे 7-8 किलोमीटर तक। हमने आज तक नहीं सुना, ये 17-18 दिन हो चले हैं, कि किसी आदमी का भी कुछ भी सामान, एक आधा कोई छुटमुट होता है बीच में, वो तो कोई भी हर जगह होता है, 100 के 100 आदमी तो सच्चे कहीं भी नहीं मिलते, पर ये कोई वो नहीं है, किसान है। पगड़ी तो आप सजाई है या किसी ने प्यार दे आके? पगड़ी मुझे 4 मिल चुकी, एक तो लुधियाना जिला ने दी, सरपंच है वो उनके मलकीत सिंह हथूर से, और एक दी कल वो कौन सा था वो बठिंडा हैं, और एक हाँ बड़ी गल है जी। देखो जो भी भाईचारक साझ का सुनहरे ने दिता है, तो जो किसान जथेबंदियां आईया सी, पंच सरपंच आए सी, उन्होंने भी मान सम्मान दिता है, तो भरावां दे वांगू दसार जिहड़ी है वह राठी साहब इत्थे उन्होंने पहनाई भी है। साडे नाल कुछ किसान भी मौजूद है, उन्होंने पुछ लिया उन्होंने किदां तजर्बा रहा, सेवा कर रहे हैं जी। ये बड़े सारे लोग ने जिहड़े वड्डे वड्डे लोग डर जांदे ने कि सरकार ना मत्था ले आए ना किसानां दे नाल रलो, इन्होंने इन्नी हिम्मत की है, की कहना चाहोगे? देखो जट दा पुत ना जदों वो सरकार नूं डरदा नहीं, फिर यह भी जट दे पुत ने। देखो जट जट च कोई फर्क नहीं है, एक नसल है। पहले दिन असीं आए सी ना, तो सानू थोड़ी जगह चाहिए सी, असीं कहा भी असीं पानी पिआउणा है खालसा ऐड करनी हो तो सानू थोड़ी जगह चाहिए है, ये कहते भी ला लो कोई गल नहीं। फिर सानू आखिया भी असीं पकौड़े बनाने हैं होर जगह चाहिए है, कहते होर लै लो। फिर दवाई वाला प्रोजेक्ट आ गया, कहते होर चाहिए, कहते होर लै लो। फिर हुण सौण वास्ते जगह चाहिए सी, और नवे शैड लग गए, कहते ये भी लै लो। एक कली एक नहीं गल नहीं, इन्हां जिहड़े बच्चे है वह मंच के उत्ते खड़े होकर स्टेज पर खड़े होकर खुद सेवा करते हैं, दवाइया का वितरण करते हैं, चाह का वितरण करते हैं, क्योंकि ये देखो विचारधारा जुड़े हुए हैं। जिहड़ा बंदा संतां दी विचारधारा जुड़िया हुंदा है उही काम कर सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हें प्यो दादियां ने बजुर्गों ने कोई चंगी शिक्षा दी हो काम कर सकता है। जो आप कह रहे हैं कि किसान परिवार के जुड़े रहे, तुम्हें की कहना चाहोगे जी, जो राठी साहब ने किया है वो बारे की कहना चाहोगे? वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। सानू जी सेठ साहब का इन्ना ही सेवा करते हैं, साढ़े बच्चे जाके बहिंदे आ, पूरी पूरी खुशियां साढ़े नाल मनाउंदे, सारा दा आपदा। मैं इनके बेटा ही हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक मौका है, मूवमेंट है हमारे लिए, कि हम भी आकर इनके संघर्ष में इनके साथ जुड़े हैं और सेवा करने का मौका मिला है। शायद ही कभी हिस्ट्री बनेगी ये, तो आगे ये याद भी की जाएगी। तो भी याद किया जाएगा कि जो लोग लड़ते हैं तो लोगों के नाल लोग ही खड़ते हैं, जो समझते हैं कि जी लड़ाई है वो असल दे विच वो अपने हक्कां लई लड़ रहे हैं। सो धर्मेंद्र राठी जी ने इत्थे एक वड्डा उपराला किया है जिसकी लोग शलाघा भी कर रहे हैं, तो इस किसान अंदोलन के उन्होंने भी हमेशा जिहड़े जो किसान इत्थे डटे हुए हैं वो हमेशा उन्होंने याद भी रखेंगे। कैमरा परसन जस्सी के नाल कुलविंदर सिंह, जस पंजाबी, दिल्ली।